हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा ब्यूवुल्फ की, जो कि एक पुराने महाकाव्य अंग्रेजी के एक पारंपरिक नाम से जाना जाता है। ब्यूवुल्फ जो कि 3182 एलिटरेटिव लाइंस, जिसको अनुप्रयास पंक्ति में लिखा गया है, जो इसको सेट किया गया है स्कैंडिनेविया में, इसको सेट किया गया है। और हम बात करते हैं, सिर्फ एक ही पांडुलिपि में लिखी गई है, जिसको हम नोबल कोडेक्स के नाम से जानते हैं। और हम इसकी बात करते हैं, ये एंग्लो सैक्सन का ग्रेट वर्क माना जाता है, ग्रेट एपिक माना जाता है, फर्स्ट एपिक अगर हम बात करते हैं तो ब्यूवुल्फ को माना जाता है। तो इसमें हम आपको बताते हैं इस कविता जो पोम है, इसकी जो स्टोरी है, उसमें सबसे बड़ा जो कैरेक्टर आता है ब्यूवुल्फ का, उसके बाद आता है तुम्हारा ग्रेंडल, ग्रेंडल की माँ, मदर, एंड और जापा मॉन्स्टर ड्रैगन आता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी में, जो कि पोम है, देखने फुल स्टोरी में बेस्ड है। तो डेनमार्क के जो राजा थे, उनका नाम था हर्थगर जो थे, एक सिल्फ सेप्सन के वंशज, महान वंशज के शासक माने जाते हैं। और इस पोम की जो स्टोरी है, इसमें मैं तुम्हें बता दूं कि जब भी वहाँ राजा हर्थगर के वहाँ जब भी कुछ काम होते, अच्छे काम होते, तो पार्टी के लिए वो एक हेरियड नाम से एक हॉल बनाते हैं, जिसमें बहुत से लोग वहाँ पार्टी के लिए आते हैं। जैसे किसी को इनाम देना हो, पुरस्कार देना हो, कुछ भी अच्छे काम करने हो, तो उसी हेरियड में होते थे। और वहाँ हेरियड में एक राक्षस भी रहता था, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। तो उस राक्षस का नाम, जो मॉन्स्टर था, उसका नाम था ग्रैंडल। उसको ये चीजें पसंद नहीं थी, एकदम हेट करता था इन चीजों से। और जब भी आता वहाँ लड़ता, राजा के जितने भी सैनिक थे उन सभी से लड़ता और वो उनको मार देता। लेकिन एक राजा इन चीजों से, हर्थगर थे, इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कि उनके समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी प्रजा, अपने शासन को किस तरह से बचाऊं। तो वहाँ के जितने भी, तो हर्थगर क्या करते हैं, एक बार उसने ब्यूवुल्फ के जो पिता थे उनकी काफी हेल्प करी थी, तो वहां से हर्थगर, तो ब्यूवुल्फ वहां से जाते हैं। तो हर्थगर ब्यूवुल्फ से कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए, हम इस तरह परेशान में, इस प्रॉब्लम में, कृपया हमारे जितने भी संकट है उनसे हमें दूर कीजिए। तो ब्यूवुल्फ को अच्छा लगता है, ब्यूवुल्फ कहता है चलो हाँ, मैं किसी के काम था। तो लेकिन वहाँ के जो सेनापति थे हर्थगर के, वो ब्यूवुल्फ से अच्छे नहीं थे, उससे नफरत कर रहे थे। तो हर्थगर से क्या करते हैं, हर्थगर जो थे ब्यूवुल्फ, एक बार ऐसी वहाँ ब्यूवुल्फ अपने किस्से सुनाता, लेकिन राजा के कितने सेनापति सोचते हैं कि ये गलत कर रहा है, ये खाली अपनी अफवाहें सुना रहा है, ये उतना ज्यादा बहादुर नहीं है। तो एक बार ऐसी वहाँ पार्टी का आयोजन होता है और ग्रैंडल वहाँ आ जाता है। तो ब्यूवुल्फ उससे निहत्ते लड़ता है, कहता बिना हथियार से अपनी तर को ताकत दिखाता हूँ। तो उससे वो लड़ता है, निहत्ते उससे लड़ता है। तो वो ग्रैंडल को इतना मारता है, ब्यूवुल्फ बहुत ज्यादा उसको मारता है और उसका बाया हाथ हॉल पे टांग देता है। और उसी हाथ को देख के वहाँ जश्न पार्टी स्टार्ट होती है, नाच गाना स्टार्ट होता है और ब्यूवुल्फ की हर जगह जय जयकार होती है, हर जगह उसका सम्मान होता है। तो कुछ समय बाद वहाँ खूब ज्यादा मौसम एकदम गर्म, वहाँ का जो पार्टी थी एकदम रंगीन हो जाती है। तो जिससे क्या होता है, वहाँ आते हैं ब्यूवुल्फ, तो ब्यूवुल्फ से लड़ने के लिए अब ग्रैंडल की माँ थी अपना रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि इसी ने मेरे बेटे को मारा। आती ग्रैंडल की मदर कहती, मेरे बेटे को किसने मारा, किसकी हिम्मत हुई जो मेरे बेटे को मार सकता है। तो ब्यूवुल्फ कहता है मैंने मारा। तो ब्यूवुल्फ उसकी माँ को भी मारने चल जाता है, खूब ज्यादा उसको मारता है। उसकी माँ जंगलों की ओर भाग जाती है, दलदले की ओर को चल जाती है। तो ब्यूवुल्फ उसको भी मार जाता है। तो उसको मारने के बाद राजा उसका इतना ज्यादा सम्मान करता है, राजा ब्यूवुल्फ को अपने बेटे की तरह रखता है, उसका खूब ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और उसको अपने सारे खजाने दिखाता है। और वहां जाके पार्टी होती है। फिर एक बार क्या होता है, ब्यूवुल्फ अब अपने घर की ओर जा रहा होता है। तो फ्रेंड्स, अब ब्यूवुल्फ अपने घर यानी गेटलैंड की ओर को निकलता है। वहां के जो राजा थे हैगलेक और उनकी पत्नी, तो ब्यूवुल्फ का काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। ब्यूवुल्फ को जो वहां से धन पैसा, जेवर जयजात जो मिली होती है, वो अपने राजा हैगलेक को दे देता है। और वहां, क्योंकि कुछ टाइम बाद वहां है युद्ध होते हैं, जिस एरिया में गेटलैंड में ब्यूवुल्फ रहता है, तो वहां युद्ध होते हैं। तो हैगलेक उस युद्ध के दौरान मार दिया जाता है और कुछ टाइम बाद उसका जो हैगलेक का बेटा था वो भी उस युद्ध में मर जाता है। तो फिर कुछ टाइम बाद 50 सालों तक
ब्यूवल्फ का वहां का राजा बना दिया गया होता है। और अब क्योंकि अब ब्यूवल्फ बूढ़ा भी हो गया है, और ब्यूवल्फ अपने किस से अपनी कहानी है, किस तरह से उसने ग्रैंडल को मारा, किस तरह से उसने ग्रैंडल की मॉम को मारा, इस तरह से अपनी स्टोरी बताता है वहाँ बच्चों को, जितने भी उसकी, क्योंकि स्टोरी ब्यूवल्फ की चारों ओर फैल गई थी, उसके जितने भी कारनामे उसने किए थे अपने जवानी में हर जगह फैल गया था। तो अब क्या होता है, ब्यूवल्फ को जो खजाना मिला होता है उसकी रखवाली करता है अजगर वहां का। तो अब वहां पर एक चोर आ जाता है जो कि वहां के उस एरिया को परेशान करते हैं, और जिस एरिया में ड्रैगन रहता है उस एरिया को भी परेशान करते हैं। तो जो इसको देख के ड्रैगन आ जाता है बाहर और सबसे युद्ध करने लगता है, सबको मार रहा है, खा रहा है, कच्चा चबा रहा है। तो ये देखते हुए ब्यूवल्फ समझ जाता है कि यार ये ड्रैगन तो अब इस शासन, इस साम्राज्य के लिए, हमारे जो गेटलैंड है यहाँ के लिए, तो एक घातक बन रहा है, तो इसको मारना पड़ेगा। क्योंकि अब ब्यूवल्फ बूढ़ा हो चुका है, 50 साल से ऊपर का हो चुका है। तो ड्रैगन आता है ब्यूवल्फ के गर्दन में काट लेता है, जिससे ब्यूवल्फ घायल तो हो जाता है, लेकिन ब्यूवल्फ ड्रैगन को खूब ज्यादा मार देता है, इतना ज्यादा मार देता है, ड्रैगन मर तो जाता है लेकिन ब्यूवल्फ को चोटिल कर जाता है। फिर कुछ टाइम बाद ब्यूवल्फ की भी मौत हो जाती है, और उसकी मौत को उसका अंतिम संस्कार एक सम्मान के संग किया जाता है, और उसका बचा हुआ शरीर जितना ही बचता है उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है। फिर कुछ टाइम बाद जितना भी उसको धन दौलत मिली थी वो भी सब समुद्र में डाल दी जाती है, जिससे स्टोरी अब खत्म हो जाती है। तो अब नेक्स्ट स्टोरी में हम मिलते हैं तुमसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।